मंदिर के सेविका ने पशु चिकित्सक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, एसपी से की शिकायत। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक मंदिर के सेविका ने कस्बे के पशु चिकित्सक पर अश्लील बातें और बुरी नियत से हाथ पकड़ने का आरोप लगाया है। महिला सेविका ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद अब पशु चिकित्सक महिला सेविका पर इस मामले में राजीनामा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सक द्वारा महिला सेविका को 21,000 रुपये देने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, जिसका वीडियो बनाकर महिला सेविका ने इसकी शिकायत मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी को दर्ज कराई है। महिला सेविका ने पशु चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही और गिरफ्तारी की मांग की है। एसपी ऑफिस पहुंची महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि दिनारा कस्बे के पशु चिकित्सक डॉक्टर अक्षय दुबे ने बीती 22 दिसंबर 2023 को जब वह सुबह 5 बजे भेड़ फार्म पर मंदिर को लीपने हेतु गोबर लेने गई, वह अक्षय दुबे डॉक्टर साहब मिले, जिन्होंने उससे अश्लील बातें कर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। महिला का आरोप है कि थाने पर शिकायत करने के बाद पुलिस इस मामले में कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं डॉक्टर द्वारा इस मामले में राजीनामे के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। वहीं रूपों का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में कड़ी कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। मैं गोबर उठाने के लिए सुबह गई तो वहाँ पर अक्षय दुबे जी रहते हैं, पशुशाला के डॉक्टर साहब। मैं गोबर उठाने गई तो बोले बहन चाय पी लो, तो मैंने कि चाय नहीं पीती हूँ, मुझे शुगर की बीमारी है, और डॉक्टर ने मना किया तो उनने मैंने मना करी तो कहने लगे चाय पी लो बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। मैंने पूछा आपके वो कहाँ है नौकर, तो बोले वो बाहर हैं। तो मैं वहाँ पर बैठी, इनने मेरा हाथ पकड़ा और बदतमीजी करने लगे, तेरी मशीन काम नहीं करती है, फलाना ढकाना जी, और वो दुनिया की इनने बदतमीजी करी। बदतमीजी करने के बाद मैं खड़ी भई, खड़ी होकर इनने मेरा हाथ खींचा और कमरे में ले जाने लगे मेरे लिए। मैं छूट छाट के जैसे भगी, मैं विकलांग हूँ पैर से, मैंने अपने पति को बताया, पति गए तो वहाँ से भाग गया जी। भागते ही मैंने शुक्रवार के दिन की बात है, शनिवार को रिपोर्ट डाली, रिपोर्ट में आज तक कोई सुनवाई नहीं है। जब यहाँ मैं मंगलवार को यहाँ पे आई हूँ, मुझे क्या कहते हैं वहाँ के थानेदार वगैरह? थानेदार ये कहते हैं कि तुम्हारी प्रकृति चल रही है, जब मैं अपनी पूरी कार्रवाई करूँगा, जब सुनूँगा तुम्हारी, आज तक कोई सुनाई नहीं है मेरी। मतलब जब थानेदार इंचार्ज नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, जब वहाँ सुनाई नहीं हुई तो मैं यहाँ ऊपर आई। इसके बाद जी मंदिर पे आए, मेरे घर आया आश्रम में, तो इसके साथ में बहुत से लोग थे, जितने वीडियो में हैं सारे लोग थे। तो ये कहने लगे दीदी मैं शुरू से आपको बैन मानता हूँ। तो मैंने कहा जब बैन मानते हो तो आपने इतना बड़ा पाप क्यों कमाया? तो बोले मुझ पर गलती हो गई, मैं आपको 21,000 रुपये दंड के दे रही हूँ, तो मेरे मंदिर में लगा देना। तो मैंने कहा मैं पाप के पैसे पे थूक दूंगी, आपने पाप किया तो अपने पैसों से लगा दो। जो वीडियो में इनकी हकीकत है वही मैं हकीकत बोल रही हूँ, और मुझे तो ये चाहिए कि माई से मुझे बस इंसाफ चाहिए, तो और कुछ नहीं चाहिए।